सरकार द्वारा अध्यापकों से घर घर जाकर परिवार पहचान पत्र को स्थापन करने का कार्य सौंपा गया है। वह इसके लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करने का भी ऐलान किया है, मगर शिक्षकों ने इस कार्य को करने से साफ मना कर दिया है। वह प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी बहिष्कार कर दिया है। सरकार के इस निर्णय का विरोध करने के लिए हरियाणा प्राथमिक संघ के आह्वान पर आज काफी संख्या में शिक्षकों ने बीडीओ ऑफिस पर जाकर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई राज्य प्रधान जगजीत सिंह द्वारा की गई। अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अध्यापकों की प्रताड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरपीएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यापक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार हो बर्बाद, तानाशाही सरकार हो बर्बाद। अध्यापक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अध्यापक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसके हाथ में एप्लीकेशन या पेन जैसी कोई चीज नहीं होगी साथियों, अगर उसने रोटी खानी है अपने परिवार को चलाना है तो साथियों तो लूटपाट करेगा या डकैती करेगा। साथियों रोजगार तो खत्म करना चाहती है पहले भी सरकार आई है, लेकिन पिछली सरकारों में और इस सरकार में सिर्फ एक ही अंतर देखा जाता है साथियों। हम पहले अपने वेतन की, अपने डीए के, अपने महंगाई भत्ते की लड़ाई लड़ते थे और साथियों, लेकिन आज हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि रोजगार बचाओ और अपने परिवार को चलाओ। साथियों हम अगर अपना रोजगार बचा पाए तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकते हैं, अन्यथा अगर साथियों हम अपना रोजगार ही नहीं बचाए तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे। जो ये आज का धरना प्रदर्शन था, ये किस विषय को लेकर था, किन बातों पे था, विस्तार से बताएं। मैं वीरेंद्र कुमार बीएलओ बिलासपुर से हूँ। हमारा जो आज का धरना प्रदर्शन है पीपी के विरोध में है, इसमें हमारी ड्यूटी इनकम सर्वे के लिए लगाई गई है। हमें पता लगा कि जिन लोगों की इनकम 40-50 हज़ार जो उन्होंने दिखाई गई है, हमें उससे उनकी ज़्यादा दिखानी है वेरिफिकेशन करके। पहले तो इसका कोई आधार ही नहीं है कि हम कैसे इनकी इनकम को स्पष्ट करेंगे, और दूसरा अगर हम किसी की इनकम को ज़्यादा भी करते हैं तो हमारी जो हम गांव में हमारे सबसे संबंध हैं वो हमारे उनसे संबंध ख़राब होंगे, और जिससे हमारी सभी टीचर्स की दुश्मनी बनेगी गाँव वालों से। तो इसलिए हम इसका विरोध किया है, क्योंकि हमारा इस समय बच्चों को 11 महीने के बाद अपने स्कूल खुले हैं और बच्चे अभी आना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी हमारी ड्यूटी इसमें लगा दी है और एडमिशन का समय भी आया हुआ है। ये ऐसा समय है इसमें हम एक मिनट भी स्कूल नहीं छोड़ सकते, और प्राइवेट स्कूल वाले गांव-गांव घर-घर जाकर एडमिशन कर रहे हैं। तो ये इस समय हमारी ड्यूटी लगाना गैर गलत है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। तो जैसे अभी अपना बीओ साहब आए थे और बीडीओ साहब आए थे, उन्होंने आपको समझाया कि ट्रेनिंग तो ले लो या इसके पैसे के आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। नहीं, तो हमें 4,000 का कोई लालच नहीं रहेंगे। ये जो सरकार हमारी ड्यूटियां लगा रही है बहुत गलत है। अब पढ़ाई का टाइम है और सरकार बार बार टीचरों को स्कूल से बाहर निकाल रही है, कभी कोई सर्वे कभी कोई सर्वे, और इनके पास आय को प्रमाणित करने के अपने बहुत से साधन है। पहले भी रही थी, वहाँ से भी करवा सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ के टीचरों को इस कार्य में लगा रहे हैं और ताकि शिक्षक जो है वो शिक्षा से दूर हों और अपने स्कूलों में कार्य ना कर सके। अब एडमिशन का टाइम है, बच्चों के एडमिशन भी करने, लेकिन गवर्नमेंट भी और हमारे अफसर भी हमको इस काम के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि गलत है बहुत और गैर कानूनी हमारे, इसका पूर्णतः विरोध है। तो अभी जैसे बता रहे हैं कि जैसे पहले बीओ ने आपको समझाया और अभी पता चल रहा है कि डीओ मैडम भी आपको समझाने के लिए आ रही है, तो क्या कुछ बनेगी बात? नहीं जी, हमारा संपूर्ण इसका बिल्कुल विरोध है जी। हम ये कार्य करना ही नहीं जी, हमने अगर ये कार्य इनको करवाना है किसी बेरोजगार को दो, जिस मर्जी को दो। राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ रहना जो आज ये आय सत्यापन कार्य का बहिष्कार का राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने यहाँ पर निर्णय लिया है, उसका सिर्फ सडोरा ही नहीं पूरे हरियाणा में इस कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। और अगर सरकार जबरदस्ती पे आई तो हम ये तो छोटा सा है, अगर हमें बिल्कुल कलम छोड़नी पड़ी तो हम कलम छोड़ के इस आंदोलन में, स्कूल छोड़ के इस आंदोलन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल सरकार की धमकी से नहीं डरेंगे और पूरे हरियाणा में इस कार्य का राजकीय प्राथमिक शिक्षण विरोध। बीडीओ ऑफिस एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया, मगर शिक्षक अपनी जिद पर अड़े रहे। हमारा
हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हम किसी की इनकम को अप्रूव करेंगे। आप इसके डेप्थ को समझिए, हुआ क्या है, जो डेटा हमारे पास अभी ट्रिपल टी में पहुंचा हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी आय को गलत तरीके से 1 लाख से नीचे दिखा दिया। आपने किसी की आय को कम नहीं करके उल्टा आप लोगों ने उन लोगों को एक्सक्लूड करना है जिन्होंने 1 लाख से कम आय दिखाई है। इस पॉइंट को समझिए प्लीज, बहुत अच्छे से समझिए। अप्रूव तो हमारी तरफ से हो गया ना जी, जब हम उसको सिखा रहे हैं चेंज करेगा हमारे पे पीला ना क्या लोग तो हमारे गल पकड़ेंगे जी। एक मिनट, पूरा पॉइंट प्लीज, एक पूरा पॉइंट एक बार देखिए। मैं खुद को वो कर रहा हूँ, एक तो उन्हें सरकार ने बेनिफिट किसे देना है, सरकार ने बेनिफिट सिर्फ उसको देना है जिसकी आय 1 लाख से कम पड़ रही है, ठीक है। जिसकी आय 1 लाख से ऊपर है वो जनरली कोई एक ने एक आप अकेले पर्सन नहीं होंगे जो कहेंगे कि इस परिवार की आय 1 लाख से ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है मैडम, उसमें ज्यादा उसके लिए 5% होंगे और 5 जोड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं। टीम लीडर कौन है जी? पब्लिक भी आती है मैडम। टीम लीडर कौन बनाया आपने? एक टीम लीडर कौन बनाया? मुझे ये बताइए टीम लीडर क्या हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है? क्योंकि ये जो खड़े हैं, जैसे आप अपने ड्यूटी कर रहे हो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये खाली विरोध यहाँ नहीं है कि कहीं आप सोचते हो सडोरा हो जाएगा। उससे पहले मैं राज्य प्रधान होने के नाते, चलो ये मेरा ही राज्य प्रधान का ही जिला, यहीं से हमने शुरुआत की है। तो हमने वहाँ कैथल में हमारे को डीसी साहब ने शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया, वो भी जला दिया हमने, हमें उस बात की भी चिंता नहीं है। ये काम हमारा नहीं है, हमारा जो है हमारा एजुकेशन का काम है। हमारा जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उन्होंने ऑर्डर दर दिया कि बगैर डायरेक्टर की अप्रूवल डीसी ड्यूटी नहीं लगा सकता। कल मेरे पास एसीएस महावीर जी का मैसेज आ गया, कल मेरी शिक्षा मंत्री से 4 बजे की मेरे आदरणीय साथी जाएंगे, मैं आपको पढ़ा देता हूँ वो बड़ा, तो उसमें हमारा जो है हमारा लेटर जारी हो जाएगा, हमारी गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं लगेगी। आप ये जो बातें कह रहे हैं ना, लेक्चरारा ने 2-2 साल कोर्ट में भुगती हैं, लोग इतने जागरूक है अभी जाके खड़े हो जाएंगे, इनकम का इतना तगड़ा मैटर है, फिर हमें पता लगता है आप भी नहीं उसमें छूट जाओगे क्योंकि आप ऊपर के लेवल के हो, इनके सहन हो जाते हैं। तो इनकम का इतना तगड़ा चक्कर पड़ता है, लोगों ने कोर्ट में धकेल दिया, किसी को तो कहा मास्टर ने तूने मेरी ज्यादा ही भर दी, किसी ने कहा तूने मेरी कम भर दी। तो सर जी हम इस काम को किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, खाली आपका विरोध नहीं है, आप हमारे कर्मचारी भाई हैं, आपके साथ सहमति है, हमारा सिर्फ सरकार की नीति के खिलाफ है। तो हम इसको अपना पूरे हरियाणा में पूरा चला हुआ है, किसी भी हरियाणा में हमने ट्रेनिंग नहीं होने दी ना हम होने देते हैं। अगर आप जो भी हमारे साथ कर ले, हमारा टीचर किसी भी प्रकार का BLOA काम नहीं का, हमारा काम पढ़ाना है, हम स्कूलों में पढ़ाएंगे। 11 महीने बाद स्कूल खुले हैं, प्राइवेट स्कूल हमारे स्कूलों में आके गांव में आके दाखिले कर रहे हैं, सारे बच्चे ले जाएंगे, हमारे फिर बंद वाले स्कूल बंद होंगे। तो इस करके हम भुगत भोगी बैठे हैं, आपसे कुछ नहीं है। आप देखो आपसे हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं, ये विनम्र निवेदन है कि आप SDS साहब को ऊपर आर अथॉरिटी को मैसेज दे दीजिए, अभी उन्होंने बहिष्कार कर दिया, ये हमारा बहिष्कार खाली आपका नहीं है, इसके बाद 2 बजे बिलासपुर है, उसके बाद आगे जैसे जैसे ट्रेनिंग का शेड्यूल है वहाँ सारी जगह बहिष्कार है, आपसे कुछ नहीं है। क्योंकि हमें इसको किसी भी कीमत पे इस सर्वे को अपने जो है BLO या टीचर कोई भी सामाजिक है, चाहे ऊपर का भी है, चलो JBT के तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव है, ऊपर वाला वो भी हमारा अध्यापक समाज का अंग है। एक लोग नहीं, 4 लोग हमारी टीम के मेंबर है, 4 लोगों ने सर्वे करना है प्रधान जी। इस अवसर पर जिला वरिष्ठ उप प्रधान ललित कंबोज, सढ़ोरा खंड प्रधान शीशपाल राठी, जगाधरी खंड प्रधान सुरेंद्र कंबोज, रादौर खंड प्रधान प्रेम रेडू, बिलासपुर से नरेश कुमार, वरेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, राम सिंह, खंड सचिव सढ़ोरा जसवंत सिंह, जिला कोषाध्यक्ष राकेश सैनी, पूर्व जिला महासचिव रामेश्वर बापा, पूर्व जिला प्रधान कृष्ण पाल राणा, महीपाल, यशपाल, शेखर चंद, नसीब सैनी, मनीष सैनी, लालचंद, मुकेश शर्मा, मनोज गुर्जर, अरुण वर्मा, रामस्वरूप, बलविंदर सिंह, राकेश सांगवान, सतिंदर कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में अध्यापक उपस्थित थे। अध्यापकों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी भी की। अध्यापकों ने इस फरमान को तुगलकी फरमान बताया। स्टेट न्यूज 71 की रिपोर्ट।